दृष्टि आई के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है आज का जो हमारा टॉपिक है वह सिटीजन फोरम ने एक बात कही है उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र बनेगा तो अगर हम खबर की बात करें तो आज की हमारी न्यूज़ है इंडिया टू इमर्ज एज ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी सिटीजन फोरम तो आज के इस डिस्कशन में हम जिन बिंदुओं को शामिल करेंगे उनको देखते हैं हम बात करेंगे न्यूज़ के बारे में सिटीजन फोरम के बारे में जिसने यह बात कही है भारत में लोकतंत्र की प्रक्रिया के बारे में डेमोक्रेसी इंडेक्स को जानेंगे इससे जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं आगे क्या किया जा सकता है और एक सवाल रहेगा जो मेंस के स्तर पर आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आज का विषय जीएस पेपर टू से संबंधित है तो पहले न्यूज की बात कर लेते हैं पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना के जवाब में सिटीजन फोरम ने एक वक्तव्य जारी किया है सिटीजन फोरम का मानना है कि भारत दुनिया के सबसे महान लोकतंत्र के रूप में उभर रहा है और एक वैश्विक प्रतीक के तौर पर यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है फोरम ने चिंता जताते हुए कहा है कि सेवानिवृत्त सिविल सेवकों का एक अलग समूह राजनीति से प्रेरित होकर भारतीय लोकतंत्र इसकी संस्थाओं और उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के बारे में गलत तरीके से सार्वजनिक बयान दे रहा है इन उच्च पदों में हम संवैधानिक पदों को भी शामिल कर सकते हैं जैसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या अन्य पद इन्होंने कहा है कि यह दबाव समूह ऐसा करके पूरी दुनिया के सामने भारत की छवि भी खराब कर रहा है दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले कुछ वर्षों में धर्मांतरण कानून और कोविड नाइन्टीन जैसे मुद्दों पर ऐसे समूहों द्वारा आलोचना का सामना करना पड़ा है ऐसे में फोरम का कहना है कि ऐसे राजनीति से प्रेरित समूह जानबूझकर उत्तर प्रदेश सरकार को निशाना बना रहे हैं जबकि इन्होंने अन्य राज्यों में भी ऐसी कई स्थितियों के बारे में कोई भी बात नहीं कही है तो अगर इस सिटीजन फोरम की बात करें तो यह सिटीजन फोरम या नागरिक मंच एक लोगों का समूह है इसमें न्यायपालिका नागरिक और पुलिस सेवाओं सशस्त्र बलों शिक्षाविदों और पेशेवरों सहित कई क्षेत्रों से लोग शामिल हैं इनके मुताबिक राजनीति से प्रेरित विरोधी दबाव समूह भारत के लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले जो पूर्व सिविल सेवक हैं सशस्त्र बल हैं या पूर्व न्यायाधीश जैसे हजारों अन्य राष्ट्रीय बुद्धिजीवी हैं ये उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं करते तो भारत में लोकतंत्र की स्थिति की बात करते हैं लोकतंत्र दरअसल लोगों का लोगों द्वारा और लोगों के लिए बनाया गया शासन होता है लोकतंत्र में प्रभुसत्ता लोगों के हाथों में ही होती है यहाँ जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खुद ही शासक होती है लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य संपूर्ण जनता की राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करना है भारत को 15 अगस्त 1947 में आजादी तो मिल गई थी लेकिन यह छब्बीस जनवरी उन्नीस को संविधान लागू होने के बाद एक सम्प्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित हुआ था ऐसे में भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने की बात करती है भारत ने स्वतंत्रता के बाद पहले दिन से ही प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान का अधिकार देकर राजनीतिक न्याय स्थापित किया था वहीं अमेरिका ब्रिटेन और अन्य कई लोकतांत्रिक देशों ने इस राजनीतिक न्याय को स्थापित करने में कई वर्ष लगा दिए यानी भारत ने आजादी के बाद से ही पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी वयस्क मताधिकार में शामिल कर दिया था और उन्हें भी मतदान का अधिकार दिया था इसके अलावा चुनाव का निष्पक्ष और पारदर्शी तंत्र एक अच्छे लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है क्योंकि चुनाव प्रक्रिया के जरिए जनता सत्ता को हस्तांतरित करती है यानी जनता मतदान दे करके सरकार को बदल देती है इसके अलावा भारत निश्चित रूप से अपनी चुनाव प्रणाली पर गर्व कर सकता है निष्पक्ष चुनाव आयोग ने भारत में सत्ता का समय पर और निर्बाध हस्तांतरण किया है जबकि भारत के साथ स्वतंत्र हुए कई ऐसे देश हैं जहां तानाशाही या फिर सैन्य शासन स्थापित हुआ है या कई ऐसे भी देश रहे जिन्होंने लंबे समय तक गृह युद्ध जैसी स्थितियां झेली यहां आप म्यांमार को उदाहरण के रूप में देख सकते हैं श्रीलंका को देख सकते हैं और पाकिस्तान को भी देख सकते हैं भारत के न्यायालय ने लोकतांत्रिक तत्व को जीवित रखते हुए लोगों के अधिकारों की रक्षा की है और देश में व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई बार संसदीय कानूनों और कार्यकारी आदेशों को अमान्य घोषित किया है तो चलिए अब बात करते हैं लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स के बारे में ये न्यूज है इंडिया फॉल्स टू फिफ्टी थर्ड पोजिशन इन ई आई यूज डेमोक्रेसी इंडेक्स तो 2019 में डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत इक्यावनवे स्थान पर था तो द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने बताया है कि 2020 में डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत दो स्थान फिसल कर तिरपनवे स्थान पर आ गया है और यह जो गिरावट हुई है यह लोकतांत्रिक मूल्यों में कमी यानी उसमें जो गिरावट आई है उसके चलते और नागरिक स्वतंत्रता पर प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के चलते की गई है ऐसे में भारत का समग्र स्कोर जो 2019 में 6.9 था वह 2020 में गिरकर 6.61 हो गया इस रैंकिंग में नॉर्वे आइसलैंड स्वीडन न्यूजीलैंड और कनाडा टॉप फाइव कंट्रीज में शामिल रहे जबकि भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश भूटान और पाकिस्तान एक स्थान पर रहे तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के सामने चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं इसमें पहला है सत्ता का दुरुपयोग करना यानी कई राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टियां अपनी सत्ता का दुरुपयोग करती हुई दिखती हैं वे विरोधी दलों को दबाने में या विरोधी पक्षों की बात को न मानने के लिए कई तरीके के हथकंडे अपनाती हैं तो यह जो पूरी स्थिति है यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है इसके अलावा चुनावी प्रक्रिया में धांधली या राजनीति का अपराधीकरण जैसी स्थितियां भी आज के समय लोकतंत्र में हमें एक बड़ी बाधा के रूप में दिखाई दे रही हैं ऐसे लोगों का संसद में या राज्य की विधानमंडल में प्रवेश करना जिनके ऊपर कई तरह के केस चल रहे थे तो ये राजनीति का अपराधीकरण बढ़ता हुआ जो दिख रहा है या ऐसी स्थितियां अगर बनती हैं तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं इसके अलावा सत्ता हस्तांतरण में बाधा उत्पन्न होना जैसा हमने म्यांमार के उदाहरण में देखा तो तानाशाही की स्थापना भी लोकतंत्र के लिए सही स्थिति नहीं मानी जाती इसी तरह चुनाव अभियान में होने वाला अत्यधिक व्यय लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है भ्रष्टाचार की चुनौती तो लोकतंत्र के सामने है ही इसके अलावा आतंकवाद जैसी स्थितियां भी देशों में लोकतंत्र या पूरी व्यवस्था को ही चौपट कर देती हैं। तो इसका समाधान क्या हो सकता है इसके बारे में जानते हैं थियोडोर रूजवेल्ट का एक कथन है महान लोकतंत्र को प्रगतिशील होना चाहिए अन्यथा जल्द ही महान लोकतंत्र नहीं रह जाएगा यानी इसका सीधा सा मतलब तो एक यह हुआ कि प्रगतिशीलता का अर्थ है सभी पक्षों को समझा जाए या ये ना हो यहाँ पर कि कोई पक्ष ने कोई बात कही तो उसको केवल इस आधार पर दबा दिया जाए कि वह विरोध किया गया है वहाँ पर उस पक्ष की भी बात को सुनना जरूरी होगा इसी तरह लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व दिया जाए जो मूल्य हमने संविधान के आदर्शों में स्थापित किए हैं संविधान निर्माताओं ने देश के जो मूल्यों को स्थापित किया है उनको भी महत्व दिया जाना चाहिए इसी तरह लोकतांत्रिक संस्थाएं अपना कार्य ईमानदारी से करें और एक दूसरे के कार्यों को संतुलित करें इसके अलावा यदि चुनाव की प्रक्रिया में कोई रुकावट आती है या कोई बाधा बनती है ऐसे में चुनाव सुधार किए जाने भी बहुत जरूरी है तो आइए अब देखते हैं आज का सवाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं क्या भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में गिरावट आ रही है विश्लेषण कीजिए तो आप इस प्रश्न का उत्तर 250 शब्दों में लिखने का अभ्यास कीजिए यह था आज का हमारा इस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ तब तक पढ़ते रहिए सेफ रहिए शुक्रिया